वैसे तो मूली के परांठे, सब्जी और अचार आपने कई बार बना लिए होंगे। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूली और उनके पत्तों की एकदम नई और एकदम डिलीशियस सी रेसिपी, जिससे आपके सुबह शाम के नाश्ते का मजा कई गुना बढ़ जाएगा। बनाना भी आसान है, कम चीज़ों से बनकर तैयार होती है और झटपट। और इस नाश्ते को और भी ज़्यादा डिलीशियस करने के लिए हम बनाएंगे कच्चे आलू की खट्टी मीठी चटनी। सुना है कभी? नहीं ना, एक बार खा कर देखिए उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। बहुत ही नई रेसिपी है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए मिलके बनाते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं चार मूली और उनके पत्ते। पत्तों के मोटे वाले डंठल हमने हटा दिए हैं और मूली को अच्छी तरीके से छीलकर उनके साइड्स कट कर लेने हैं। पत्तों को हमें इस रेसिपी में कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पत्तों के जो देखिए इसके किनारे किनारे इस तरीके से मोटे जो पार्ट है ना, उसका हमें यूज़ नहीं करना है। उसको हम इस तरीके से हटा लेंगे और जो बाकी बचे हुए नरम पत्ते हैं ना, उसको हम बहुत ही बारीक बारीक से काट लेंगे। तो चलिए पत्तों को हमने इस तरीके से मोटे वाले डंठल हटा दिए हैं, उनको बारीक काट लेंगे। और जो मूली हमने चार ली है छील करके, इसको हम मोटे वाले कद्दूकस से बारीक इस तरीके से कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने मूली को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और पत्तों को भी बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ अगर आपको पत्ते नहीं पसंद है तो आप हटा सकते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत मज़ेदार लगता है, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इन पत्तों के साथ आप पालक या मेथी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको मैंने मिला लिया है, साइड में रख देते हैं और अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। उसके लिए मैंने एक पैन गर्म होने रख दिया है। नॉनस्टिक बर्तन का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हम एक टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, एक छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हल्का सा हम भून लेंगे, बस हल्का सा कलर चेंज हो उतना ही पकाएं। और जैसे ही सारी चीज़ें क्रकल हो जाती हैं, इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का दरदरा कुटा हुआ पेस्ट। तो लगभग दो हरी मिर्चें, दो लहसुन की कलियाँ और एक इंच अदरक लिया था मैंने, कोर्सली इनको ओखली में कूट लिया है। हल्का सा इनको भुनेंगे जैसे कि कच्चा टेस्ट निकल जाए। और जैसे ही भुन जाएंगे हम इसमें मूली और उनके पत्ते ऐड कर लेंगे। ये प्रोसेस ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि मूली को हल्का सा भुनना बहुत ज़रूरी है। मूली में जो एक हल्की सी कड़वाहट होती है ना, वो इस भुनने से निकल जाती है और मूली का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, सिर्फ एक से दो मिनट के लिए। तो देख सकते हैं मूली काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है, अब ये बिल्कुल तैयार है इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो चलिए अब हम फ्लेम को कम कर देंगे और इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। आधी छोटी चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला, इसके साथ ही एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी एक तिहाई छोटी चम्मच के आसपास, बहुत थोड़ा डालेंगे। और अब डाल देंगे अमचूर पाउडर आधी छोटी चम्मच। चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। नमक हमने अभी यूज़ नहीं किया है इसमें, नमक हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। तो पहले मसालों को हल्का सा एक मिनट के लिए मूली के साथ में ही हम पका लेते हैं। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, चलिए अब इसमें डालेंगे पानी। तो एक कप मैंने कप से नापकर पानी लिया है, आप कोई से भी एक बर्तन मेजरमेंट के लिए रख लें और उसी से सारी चीज़ें मेजरमेंट करके डालें। ये पूरा एक कप पानी हम इसमें डाल देंगे, लगभग 100 ml के आसपास ये पानी है। पानी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा गर्म करेंगे, इसको उबाल लाएंगे और फिर हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। तो स्वाद के हिसाब से नमक डाल लीजिए और अच्छी तरीके से इसमें उबाल आने दीजिए। जैसे देख सकते हैं बढ़िया सा उबाल आ गया है। तो अब मैंने जितना पानी लिया था ना, उतना ही हमने यहाँ पर चावल के आटे का इस्तेमाल किया है। चावल आप चाहे तो कच्चे चावल को पीस करके भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चावल के आटे को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लगभग 100 ग्राम के आसपास चावल का आटा लिया है मैंने। अच्छे तरीके से इसको डालकर हम मिक्स करेंगे धीमे धीमे से। और जब आप इसको मिक्स करें, गैस का फ्लेम एकदम कम कर लें, क्योंकि चावल जल्दी से ही पानी को सोख लेगा और गुठलियाँ छोड़ देगा, इसलिए इसको जल्दी जल्दी मिलाना ज़रूरी है। बस इनको एक बार अच्छी तरीके से मिला लीजिए, फिर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ढककर थोड़ी देर रेस्ट करने रख देंगे ताकि ये स्टीम में अच्छे से कुक हो जाए। लगभग 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चावल हल्का सा ठंडा हो गया है, हम इसको हाथों से टच कर सकते हैं और स्टीम में ये थोड़ा सा कुक भी हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, हल्के हाथों से इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे और एकदम बढ़िया सा एकदम सॉफ्ट सा डो हमें तैयार करना है। इसलिए हमें यहाँ पर नॉनस्टिक बर्तन का यूज़ किया था ताकि जो मिक्सर है वो पैन में चिपके नहीं। अब इसको आटे की तरह बढ़िया से गूंथ लीजिए और ये देखिए एकदम बॉल सा हमारा तैयार हो गया है ना, एकदम बहुत ही बढ़िया सा। तो चलिए अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स तैयार करेंगे। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और अपने हिसाब से जैसे आपको शेप पसंद आए उस हिसाब से इसके छोटे बड़े टुकड़े बना लीजिए और इसके बॉल्स बना लीजिए। मैं इनको थोड़ा सा चपटा कर लूँगी इडली की तरह, ये देखें तो बहुत ही छोटा छोटा बनाएंगे। और ये लीजिए सारे हमारे ये बॉल्स बनकर तैयार है, जिसको मैंने इडली की तरह चपटा करके लिया है, टिक्कियाँ भी कह सकते हैं। इसको हम एक बार स्टीम करेंगे, क्योंकि कच्चे चावल से बने हैं ना तो कच्चे होने की गुंजाइश है, इसलिए हम इनको स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है, इसको हम 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे।
तब तक चलिए हम आलू की चटनी तैयार करते हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही बहुत नई रेसिपी है। तो यहाँ मैंने 2 कच्चे आलू को काट लिया है, पानी में डाल दिया था ताकि ये काले ना पड़े। और अब लेना है एक मिक्सी का जार, इसमें हम ये सारे कच्चे आलू डाल देंगे, ये देखें। और इसमें एक बढ़िया सा खट्टा टेस्ट देने के लिए हम इमली का इस्तेमाल करेंगे, 2 टेबलस्पून। ज़्यादा इमली नहीं लेना है, लेकिन अगर आपको इमली नहीं पसंद है तो आप यहाँ पर अमचूर डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ खट्टा टेस्ट देने के लिए हमने इमली का इस्तेमाल किया है, और ज़्यादा मत डालिएगा। चलिए थोड़ा सा पानी डालकर हम एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। और ये देखिए पेस्ट हमारा एकदम बढ़िया सा तैयार हो गया है, एकदम स्मूथ, एक भी गुठलियाँ नहीं है, और 3-4 चम्मच पानी डाला है। अभी इसको साइड में रखते हैं और चलिए बनाएंगे मसाला इस चटनी के लिए। उसके लिए एक पैन में डालेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटी चम्मच मेथी दाना, 1 छोटी चम्मच सौंफ, और इसके साथ ही 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च के दाने। सारी चीज़ों को हल्का सा हम भून लेंगे जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए और एकदम सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लगे। थोड़ी देर के लिए भुनेंगे, और अब अच्छे से जैसे ही भुन जाते हैं गैस का फ्लेम बंद करेंगे, और इस गरम गरम पैन में ही हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी। ये देखिए, तो पैन को गरम गरम में ही डालिएगा और फ्लेम को बंद करके डालिएगा, नहीं तो कसूरी मेथी जल सकती है। अच्छे से मिला लीजिए, और ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। चलिए इसको हम डाल देंगे इस तरीके से ओखली के अंदर। आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मसाले को हमें कोर्सली रखना है। और ये देखिए एकदम बढ़िया सा कोर्स पाउडर हमने तैयार कर लिया है, मसाला हमारा तैयार है। चलिए चटनी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर चटनी के लिए एक पैन गरम होने रख दिया है, इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के आसपास देसी घी, इसमें डालेंगे 1 पिंच के आसपास हींग, और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जिससे कि चटनी का कलर एकदम बढ़िया रेड कलर आए। और इसको हल्का सा मिला लेते हैं घी के साथ, घी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच पानी, और इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं एकदम बराबर कलर के लिए। अब इस चटनी में मिठास के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चाशनी। मेरे पास ये गुलाब जामुन की चाशनी बची हुई थी, इसलिए मैं ये इसको बॉटल में भर के रख लिया था, और इसको हम चटनी बनाने में या फिर किसी भी तरीके की मिठाई बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर चाशनी बच जाए तो उसको फेंके नहीं, और अगर आपके पास चाशनी नहीं है तो आप इसमें 1/2 कप चीनी डाल सकते हैं। ये पूरा चाशनी डालने के बाद भी हम इसमें 2 चम्मच चीनी और ऐड करेंगे, क्योंकि मिठास के लिए इतना चाशनी काफ़ी नहीं होगा। चलिए अब इनको अच्छे से मिलाएंगे और बढ़िया सा 1 से 2 उबाल आने देंगे, तब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए। तो देख सकते हैं चीनी हमारी अच्छी तरीके से एकदम बढ़िया से घुल गई है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे हमारा आलू का पेस्ट। तो ये पूरा पेस्ट हम इस उबलते हुए चाशनी के अंदर ऐड कर लेंगे। ये देखिए, जैसे ही आप आलू डालेंगे ना, वैसे ही ढेर सारा झाग इसमें होने लगेगा, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आलू कुक होता जाएगा ना, वैसे वैसे ये झाग एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, और पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। लगातार इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहिएगा, और इसको हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। 2-3 मिनट के लिए बस पकाना है। देखिए झाग एकदम कम होने लगे हैं, तो अब इसको फ्लेम को कम करके थोड़ी देर ढक देते हैं, ताकि एकदम बढ़िया से कुक हो जाइए। और ये देखिए, थोड़ी देर के बाद हमारी जो आलू की चटनी थी एकदम बढ़िया से कुक हो चुकी है, एकदम बढ़िया सा टेक्सचर आ गया है, और गाढ़े भी हो चुके हैं आलू की वजह से। तो अब इसमें डालेंगे मसाले जो हमने कूट कर तैयार किए थे। पूरे नहीं डालने हैं, थोड़े से डालने हैं, जितना आपको चटपटा पसंद हो आप डालें। तो यहाँ पर मैं 1/2 छोटी चम्मच के आसपास ये मसाला डाल रही हूँ। इस मसाले के साथ हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। आप चाहें तो मसाले के साथ जीरे को भून सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी भुना हुआ जीरे का पाउडर पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने मसाले के साथ नहीं डाला। अब डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, और 1 से 2 बूंद के आसपास फूड कलर। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ओरिजिनल जो रेड कलर है अभी अगर वो पसंद है तो कोई ज़रूरत नहीं है फूड कलर डालने की। लेकिन जैसे चाट वाले देते हैं एकदम लाल सी चटनी, अगर वो आपको चाहिए तो थोड़ा सा फूड कलर डाल देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही डाला है, अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिक्स करेंगे। देखिए थोड़ा सा ही रेड कलर इसका आया है, इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला है। अच्छी तरीके से मसालों के साथ पका लेंगे, और जैसे जैसे पकता जाएगा देखिए एकदम बढ़िया खुशबूदार वाली हमारी चटनी तैयार होने लगी है, देख रहे हैं। और इस टाइम पे मैंने फ्लेम को एकदम कम रखा है। आप इस चटनी में काजू डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, जो भी आपको खजूर या फिर छुहारे पसंद है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करूँगी, बस 1 छोटी चम्मच खरबूजे के बीज ऐड करेंगे, जो कि जनरली लाल वाली चटनी में यूज़ होता है। अच्छी तरीके से मिला लीजिए और गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है, चलिए निकालते हैं इसको प्लेट में।
और ये देखिए चटनी का कलर, इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत औसम है। खाने के बाद भी कोई नहीं बता पाएगा कि आपने इसे कच्चे आलू से बनाया है। इसको बनाकर फ्रिज में आप 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। चटनी कैसी लगी ज़रूर से हमें कमेंट में लिख के बताइएगा, और अगर पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आपको एक नई वीडियो मिलती रहे। चलिए अब चेक करते हैं हमारी जो स्टीम हो रही नाश्ते का क्या हाल है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये स्टीम हो गए हैं, हम इनको गैस पर से उतार लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तब तक चलिए हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। जैसे ही गर्म होता है इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, इसके साथ ही आधी छोटी चम्मच सरसों के दाने और 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल। ये सारी चीज़ों को अच्छे से क्रकल होने देंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे करी लीव्स, लगभग 4 से 5, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 हरी मिर्चें और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून के आसपास बारीक कटा हुआ प्याज। आप चाहें तो प्याज को स्किप कर सकते हैं अगर आपको प्याज का टेस्ट नहीं पसंद है। तो मैंने यहाँ पर ये स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स का यूज़ किया है, इसका आगे वाला पार्ट लिया है। अच्छी तरीके से इनको भून लेंगे सारी चीज़ों को, कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है। और जैसे ही भून जाएंगे हम इसमें ये स्टीम किया हुआ नाश्ता डाल देंगे और इनको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। इस नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला 1 छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच पीसी हुई चीनी और थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर आधी छोटी चम्मच के आसपास। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से तेल में मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इनको क्रिस्प होने देंगे। इस नाश्ते को हल्का सा क्रिस्प होने से ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इनको भुनेंगे। तो देख सकते हैं अच्छे से तैयार हो गए हैं। चलिए अब इनको निकाल लेते हैं। और ये देखें मैंने इसको अलग प्लेट में निकाल दिया है, कितने मसालेदार और चटपटे लग रहे हैं ना। किसी भी चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं, स्पेशली ये मीठी चटनी के साथ और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये हमारी आलू की चटनी के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मूली का नाश्ता, आप खाने के बाद भी नहीं बता पाएंगे कि मूली से बनी है। कौन सी रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और यूनिक लगी हमें ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा। रोज़ ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो एंजॉय कीजिए, कल फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।